भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए जन्माष्टमी का त्योहार महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को हुआ था और इसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। कृष्ण भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। अब आप friksha.com वीडियोस के साथ इस पूजा को स्वयं कर सकते हैं। इस पूजा में प्रयोग होने वाली प्रत्येक वस्तु का अपना एक महत्व है। पूजा आरंभ करने से पहले आइए हम ये वस्तुएं एकत्रित करें। पुष्प, फल, चावल इत्यादि वस्तुओं तथा पूर्ण सामग्री और इन वस्तुओं का महत्व जानने के लिए आप friksha.com पर जा सकते हैं। पूजा के दो भाग हैं, पूजन तैयारी और विशेष पूजा। पहले भाग में हम पूजा की तैयारी करेंगे, जिसे पंचपीठ पूजन भी कहा जाता है। पूजा प्रारंभ करने से पहले नहा धोकर और स्वच्छ कपड़े पहनकर पूर्ण सामग्री के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब पूजा की थाली तैयार करें। सबसे पहले अपने हाथ में थोड़ा जल ले लें और ये मंत्र दोहराएं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, और इस जल को पी लें। इस प्रकार पहले भाग में पूजन तैयारी के बाद समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। किसी भी पूजा से पहले पूजन का संकल्प शुद्धिकरण कर जल और फल पुष्प आदि से उनका पूजन किया जाता है। संकल्प करने के बाद दूसरे भाग में अब हम श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। ओम कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण पूजायाम स्थापयामि। इसके बाद मुंह शुद्ध करने के लिए पान चढ़ाएं। ओम श्री कृष्णाय नमः, मुख वासार्थे तांबुलम समर्पयामि। पूजा में श्लोक और मंत्रों का विशेष महत्व है। यदि आप विधिवत पूरी पूजा करना चाहते हैं तो आप friksha.com पर जा सकते हैं। हमारे प्रे अलोंग वीडियोस के साथ अब आप सरलता से स्वयं ही विधिवत पूजा और आरती कर सकते हैं। हमारे प्रे अलोंग वीडियोस हिंदी, कन्नड़, तमिल और इंग्लिश में उपलब्ध हैं। साल भर के सभी त्योहार, सभी व्रत, कथाएं एवं सभी पूजाएं हमारे प्रे अलोंग वीडियोस के साथ आप स्वयं कर सकते हैं।